मॉड मीडियन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आई थिंक मीन मॉड मीडियन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे कि व्हाट इज दैट। बट जो आपके पास नई चीज है बच्चे वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको भी समझ लीजिएगा। एंड वन मोर प्रोबेबिलिटी, ओके चेक इट, मीन मॉड मीडियन परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास क्वेश्चन है, विच आर बेसिकली द पार्ट ऑफ स्टैटिक्स। देखिएगा वन बाय वन हम इनको कैसे डिस्कस करते हैं। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन, आप सब जानते हैं कि इफ वी हैव थ्री क्वांटिटीज ए बी सी द मीन इज एवरेज, तो हम क्या करते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई थ्री, दैट बिकम्स अ मीन। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है बच्चे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर। सपोज दैट आपके पास कोई अनग्रुप डाटा है 2, 3, 5, 3, 4, 5, 3, 6 एंड समवन सेड यू व्हाट इज द मॉड, तो मॉड मींस है बच्चे इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लीजिए, 2, 3 times 3, 2 times 4, 2 times 5 and 1 times 6। तो चेक कीजिए कौन सा नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट कर रहा है, 3, तो दिस इज कॉल्ड मॉड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर। तो इसका मॉड क्या होगा बच्चे, 3 होगा। सपोज दैट आपके पास 4 भी 3 टाइम हुआ तो हम वी कैन से 4 आल्सो। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन, व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज मीडियन एंड हाउ वी कैन चेक इट, तो सी दैट बच्चे हम 4, मीडियन का मतलब होता है राइट एट एन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, 4 हमने इस तरफ से छोड़ दिए, 4 हमने इस तरफ से छोड़ दिए, दैट मींस मिडल वैल्यू, किस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, मिड वैल्यू, तो दिस इज अ मिड वैल्यू, तो इसका मॉड कितना होगा बच्चे, सॉरी मीडियन क्या होगा, 4। अब सपोज करो इसमें 2 टर्में बच जाती है तो फिर हम उनकी एवरेज निकाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉड। गॉट माई पॉइंट। एक वर्ड आपके पास और आता है बच्चे, दैट इज कॉल्ड रेंज। व्हाट डू वी मीन बाय रेंज, रेंज का मतलब होता है बच्चे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी जो भी आपको एग्जांपल दी हुई है उसमें हाईएस्ट डाटा क्या है, जैसे हम इसमें देखें हाईएस्ट डाटा क्या है 6, लोएस्ट वैल्यू ऑफ डाटा कितनी है 2, तो दैट मींस इट इज कॉल्ड 4। ओके ये मैं सिंपल डेफिनेशंस कर रहा हूं, वैसे इसकी बहुत सारी टेक्निक्स है। ओके और 10th क्लास वाले बच्चे तो ये रीड आउट करेंगे ठीक, व्हाट इज मीन मीडियन एंड मॉड इन देयर सिलेबस। फिर से देखिए बच्चे मीडियन, ओके मीडियन मींस सपोज दैट आपको इस तरह का डाटा प्रोवाइड, ओके चेक कीजिए 2, 3, 5, 6 ठीक, व्हाट इज लेफ्ट इन द मिडल 7, दिस इज कॉल्ड मीडियन। अब सपोज कीजिए इसमें एक टर्म और होती, फिर क्या होता बच्चे, इधर से हम कौन सी छोड़ते, 1, 2, 3, 5, 6 फाइव टर्म्स, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स, 2 टर्म्स आर लेफ्ट 6 एंड 7, फिर हम 6 एंड 7 का एवरेज निकाल देते, तो दैट इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन मींस मिड वैल्यू,
फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन यू विल फाइंड द मीडियन। ओके, जितना भी आए 6.5 ये आपके पास आ जाएगा मीडियन। अब एक छोटे से क्वेश्चंस में आता हूं बच्चे, प्रोबेबिलिटी। जो टेंथ में उन्होंने नाइन्थ में इसका हल्का सा एग्जांपल देख लिया था, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का बेसिक मीनिंग होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट एंड दूसरा हमारे पास क्या होगा, फेवरेबल इवेंट। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बेसिकली कम्स इन द फॉर्म ऑफ डाइस, कॉइन्स एंड मेनी मोर थिंग्स। अब जैसे देखिए, कोई आपको कहे कि आपने एक डाइस थ्रो की, तो जब आप डाइस थ्रो करते हैं तो यू विल फाइंड 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। दीज आर द नंबर्स विच अपियर्ड ऑन डाइस। अब आपको कोई कहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो यू विल चेक कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उसमें इवन नंबर कितने हैं बच्चे, 2, 4, 6। इवन नंबर कितने हुए, 3, तो 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। आपको कहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट आर 6 एंड व्हाट आर द प्राइम नंबर्स, 2, 3 एंड 5, तो प्रोबेबिलिटी इज 3/6। ओके, दिस इज द वे वी कैन फाइंड द आंसर, कि जो हमारे पास इस क्वेश्चन की क्या है, वैल्यूज है, जिसको हम यहां पे क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। Got my point? Yes, आप इसको बेटे शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे, यू विल राइट 1/2। और जो आपके लिए सबसे नई चीज बता रहा हूं बच्चे, वो ये सभी के लिए बिल्कुल न्यू थिंग्स है, तो ट्राई टू फाइंड इट आउट। इसको हम बोलते हैं बच्चे फैक्टोरियल। बिल्कुल इस फॉर्मेशन को n, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। इसका सिंबल बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे, फैक्टोरियल। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक। व्हाट डू वी मीन बाय दिस, तो वी कैन राइट इट एज, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, तो दिस मीनिंग 3 × 2 × 1, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 6। ओके, नाउ इफ वी कम टू नेक्स्ट वन, 4 फैक्टोरियल, नाउ हाउ वी कैन राइट इट, इट कैन बी 4, 3, 2 एंड 1, विच इज इक्वल टू 24। इफ somebody ask यू व्हाट इज 2 फैक्टोरियल, 2 × 1, दिस इज 2। व्हाट इज 1 फैक्टोरियल, 1 ये नेगेटिव में नहीं जाता कभी भी। और अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है बच्चे, 1 होती है। ये याद रखना, आपको करवाऊंगा कि ये क्या हो रहा है हमारे पास। ओके, और मेरा आज का जो बेसिक कंसर्न है बच्चे, वो इसी पे है। अब आपको मैंने एक क्वेश्चन और करवाया, परमोटेशंस। तो बेसिक देख लीजिएगा, क्वेश्चंस तो मैं आपको दे ही दूंगा, व्हाट इज परमोटेशन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे। परमोटेशंस, नेक्स्ट वन, कॉम्बिनेशंस। चेक कीजिए, परमोटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं बच्चे
व्हाट इज इट? फिर से चेक कर लीजिए, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ओके, व्हाट इज परमुटेशन? अब सपोज कीजिए, आप सबको ये ध्यान देना भी जो मैं बोल रहा हूं, परमुटेशन का मीनिंग होता है बच्चे अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ये हल्का सा आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ज्यादा डीप नहीं, क्योंकि ये 11th का टॉपिक है, बट हमारे पास ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सो। देखिए क्या है, सपोज कीजिए आपके पास कोई थ्री थिंग्स है, ए बी एंड सी, और आपको सपोज कीजिए ये आपकी थ्री बुक्स है, चलिए अब ज्यादा नहीं जाएंगे, और समबडी सेज कि आपको इनको अरेंज करना है, टेबल पे अरेंज करना है। ओके, तो हम कैसे अरेंज करें? तो सी दैट वन, देखिए इसको मैं अरेंज कैसे करूंगा, ए बी सी, और आई कैन राइट इट एज ए सी बी, और आई कैन राइट इट एज बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी एंड सी बी ए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कितने तरह से मैं उनको अरेंज कर सकता हूं बच्चे, चेक कीजिए, सिक्स मेथड से ना। हाँ जी, गॉट माय पॉइंट? हम इसको कितने मेथड से अरेंज कर सकते हैं? हाँ, वेरी गुड, आप सभी ओपन है सर, सिक्स मेथड। अब वेरी गुड, बिल्कुल सेम वे में हमारे पास आ जाता है बच्चे कि अब अगर ये थ्री है और आपने अरेंजमेंट करना है, तो आप इसको सीधा लिख दीजिए थ्री फैक्टोरियल, एंड थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, थ्री इंटू टू इंटू वन, इसका मतलब कितने अरेंजमेंट हो जाएगा, सिक्स। अब देखो ये तो छोटा सा था, अब अगर बड़ा होता तो बड़ा होने का रीजन देखिए क्या है। अब सपोज कीजिए कि अगर इसमें फोर थिंग्स होती, मान लीजिए ए बी सी एंड डी होता, 24. तो अब इसमें क्या होना था, देखिए कितनी है, 1 2 3, 24. इसका मतलब क्या होगा, 4 फैक्टोरियल 24. गॉट इट? तो ये कितना होगा हमारे पास, 24, जिसको हम यहां पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, या ऐसा कह सकते हैं कि वी कैन डिफाइन इट इन दिस वे। गॉट माई पॉइंट बच्चे? अब थोड़ा सा आपको और तरीके से लेके आता हूं। सपोज कीजिए अब आपका किसी का नाम लेते हैं, जैसे किसी का छोटा सा नाम है, देखते हैं आप में से, रिया, बच्चे वेट करना, थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब कर रहा है, बट एनी हाउ हम आ जाएंगे वापस। अब एक डिवाइस हमने और लगा दी है कि अगर हमारा नेट डाउन हो तो साथ के साथ यूजर चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब आपको ऐसा नहीं देखना पड़ेगा कि मैं एक बार गया तो फिर वापस ही नहीं आऊंगा, ठीक। तो अब हम भी धीरे धीरे चीजें सीख रहे हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे उनका सलूशन बनाना है। तो अब ये नेट वाला सलूशन ऑलमोस्ट बन गया है। हाँ, ये 2 मिनट वेस्ट हुआ करेंगे अपने टू मूव ऑन टू सेकंड डिवाइस। लेट अस सपोज, सपोज कीजिए कोई हमें कहता है कि जो रिया में अल्फाबेट्स हैं उनको अरेंज करना है। ओके, तो हम कैसे कर सकते हैं बच्चे, मीनिंग हो या ना हो। अब रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वाई आर ए। अब ऐसे मत देखने लग जाना कि उसका मीनिंग, इट मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब आइए दूसरा, अब ये ऐसे भी हो सकता था, आर ए वाई आई। अब ये ऐसे भी हो सकता था, आई आर ए वाई। तो हम कितने के लिखेंगे बच्चे रिया? तो इसका एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिया, पहले आप चेक कीजिए इसमें कोई अल्फाबेट रिपीट तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे,
फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन. अब मैं आता हूं, अगर रिपीट कर रहे हो, सपोज दैट आपके पास एक कैंडिडेट है जिसका नाम है नक्श, ठीक. आपको ये हमें कह दे कि इसको अरेंज करो, इनके अल्फाबेट्स को अरेंज करो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आपने चेक करना है कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो आप लगा देंगे सिक्स फैक्टोरियल. नेक्स्ट, अब कोई आपसे ये पूछ सकता है, अगर आप में से किसी ने ओलंपियाड में ये पेपर दिया हो ना तो पक्का क्वेश्चन आया होगा इस तरह, ठीक. अब आप चेक कीजिए, इसमें ए रिपीटिंग टू टाइम्स, तो फिर आप इसको टू फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए. ये वो ये फिर से नोट कीजिए जो मैंने अभी किया. एक होते हैं नॉन रिपीटिंग के लिए और एक क्या होते हैं रिपीटिंग के लिए. नॉन रिपीटिंग के लिए तो जितने भी अल्फाबेट्स हैं आप सीधा लगाइए उसको, और जिसमें रेपिटेशन आ रही है उसमें आप क्या करेंगे इस तरह से. अब इसका क्या हो जाएगा, अगर आप सिक्स फैक्टोरियल को करेंगे तो इट इज 720, और टू फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो इट इज 2, डिवाइड कर दीजिए तो इसका मतलब इसके क्या हो जाएंगे, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर, 360 अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक. तो ये हमारे पास इस फॉर्मेशन का अपडेट्स है, ठीक. यस मुकुल सर, अगर कोई नंबर थ्री टाइम्स रिपीट हो तो. हाँ बिल्कुल, मैं अभी कर रहा हूं. जैसे देखिए, एक वर्ड है हमारे पास ए अलाहाबाद, ठीक. तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा बच्चे, नाइन फैक्टोरियल. अब चेक कीजिए नीचे क्या आएगा, ए देखिए कितने बार है, वन टू थ्री एंड फोर, तो फोर फैक्टोरियल, क्योंकि ए फोर टाइम, ओके. अब नेक्स्ट आइए एल, वन टू, टू टाइम है, ठीक. और कुछ है बच्चे, यस नो सर, ये आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट आंसर. सर फोर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल, बिल्कुल फोर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल, ओके. अच्छा एक चीज और बताइए सर, बट इन question sir, if it asked that the repeating is allowed, then sir we can write the factorial of 9. no bache, wo repeating allowed hi hai, isme bhi repeating allowed hi hai, theek hai. ab dekhiye aap, main ek simple si baat batata hu, maan lijiye aapne is number ko likhna hai m double a a n, theek, to isko aap likhenge 4 factorial एंड टू फैक्टोरी, यानी इसमें टोटल कितने आएंगे, 12 आएंगे. इसमें भी रेपिटेशन अलाउड हो, डोंट वरी अबाउट दैट. हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, अरेंजमेंट में रेपिटेशन या डजंट रेपिटेशन का कोई मीनिंग नहीं होता, उसमें सारे के सारे अल्फाबेट्स आएंगे, ओके. हाँ जी बच्चे, आप सारे सर मुझे जो फैक्टोरियल वाला कंटेंट था उसमें थोड़ा डाउट है. बोलिए बोलिए सर, उसमें जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन कैसे हुआ? बच्चे एक्चुअली ना, जो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है वो होता है काउंटिंग. वो क्या होता है, काउंटिंग होता है. और अगर मैं ये ना, बड़ा डिटेल में जाने वाला टॉपिक है, अगर मैं एन फैक्टोरियल की वैल्यू लिखूं ना तो इसकी वैल्यू ऐसे लिखी जाती है बच्चे, एन एन माइनस वन एन माइनस टू, ऐसे चलता जाता है, और ये जाता है कहां तक, वन तक. मैं किसी भी फैक्टोरियल को ऐसे रोक सकता हूं. अब अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 पुट अप करूंगा तो 1 फैक्टोरियल इनटू 1
एंड जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल की वैल्यू वन और इधर क्या रहेगा जीरो फैक्टोरियल। हम इसको इस तरह से प्रूव करते हैं। अभी आप फॉर द टाइमिंग इसको इस तरह से याद रख लीजिए कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। गॉट माई पॉइंट सर? इफ अ क्वेश्चन इज गिवन सर डबल ए एम एंड इट इज शोइंग इट्स आस्किंग टू अरेंज इट सर, वी कैन राइट इफ वी आर अरेंजिंग सर वी कैन राइट इट इन सर सिक्स फॉर्म, बट अकॉर्डिंग सर डबल ए इज रिपीटिंग सर, सो दैट वी कैन राइट ओनली इन थ्री। नहीं बच्चे, इफ समबडी आस्क यू फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ ए ए एन, नाउ व्हाट इज योर क्वेश्चन sir, how much time we can write it as arrangement? Okay, very good. Check it. See, here is 1, 2 and 3 numbers divided by 2 factorial. So we can write it as in 3 times. Ab suniye 3 times kaise likhunga. Pehle main likhunga a a n, then I can write it as a n a, then at the last I can write it as n a a. Now tell me if any other possibility arise or not, if you want to range a a n. No sir, no other, bas that's the answer. Okay sir, is the factorial 9 upon factorial 4 into 2 factorial 2 is the answer ye hai na 7516? Nahi bachche, maine to itna dimag nahi lagaya, aap tez nikle gaye aap se, hum to yahi pe baithe, theek hai? To very good. अब मतलब हमने नहीं, मैंने नहीं कैलकुलेट किया कि इसका कितना आंसर आएगा, जब तो जस्ट मैंने वैसे लिख लिया क्वेश्चंस, ओके तो मैंने कैलकुलेट किया उतना ही है, इतना ही है। चलिए वेरी गुड, कैलकुलेशन अपने आप किया है या कैलकुलेटर से? सच बताना सर, खुद से किया, वो उसको खोल दिया, खुद से किया है, इतनी देर में 4 को कटिंग कर दी। वेरी गुड, चलिए ठीक, दैट्स ग्रेट। अब बच्चे मैं एक क्वेश्चन पे और आ रहा हूँ आपके पास। एक होता है परमोटेशंस, देख अभी मैंने आपको कहा कि ए बी सी थ्री थिंग्स हैं और थ्री के थ्री को ही आपने क्या करना है, अरेंज करना है, ओके? अब अगर मैं आपको कह दूं कि ए बी सी थ्री बुक्स हैं तो आपने किसी टू को अरेंज करना है, तो क्या होगा बच्चे? या तो आप लिखेंगे ए बी बी ए, या आप क्या लिखेंगे बच्चे, ए सी सी ए, या आप लिखेंगे बी सी, और या आप क्या लिखेंगे सी बी। तो इसका आंसर कितना होगा? सिक्स होगा ना। अब आपको इसका फार्मूला बता रहा हूं, ध्यान देना जो भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये फार्मूला होता है एन पी आर, व्हाट इज इट एन पी आर, सुनो ध्यान से, इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करने का तरीका है। जैसे आप व्हाट इज गिवन टू यू थ्री थिंग्स, व्हाट यू आर प्रूविंग टू थिंग्स, तो हम इसको कैसे लिखेंगे थ्री पी टू, और इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, थ्री फैक्टोरियल थ्री माइनस टू वन फैक्टोरियल। थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू सिक्स होती है और वन फैक्टोरियल की वैल्यू वन, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे सिक्स। इसको भी याद रखना, मैंने अभी आपको कितने करना? बिल्कुल, मैंने अभी आपको कितने फार्मूले बता दिए अभी तक, थ्री। फिर से सुनो, एक कि अगर आपको सर्टन कोई क्वांटिटी दी हुई है ए बी सी डी जिसमें कोई भी थिंग्स रिपीट नहीं है, तो उसका सीधा सीधा फार्मूला आ जाएगा फोर फैक्टोरियल, ओके? अरेंजमेंट बता रहा हूं। अब अगर आपके पास आया ए ए बी सी डी, तो इसका मतलब फोर फैक्टोरियल जितने उसमें रिपीट कर रहे हैं वो, और अगर आपको उसने ऐसा दे दिया ए बी सी डी फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ थ्री थिंग्स, अब आपको टोटल कितने के बना बचे फोर, और आपने कितने का अरेंजमेंट करना है थ्री का, तो वी कैन राइट इट एज फोर सी सॉरी फोर पी थ्री, और फोर पी थ्री का क्या आ जाएगा फोर फैक्टोरियल ओवर वन फैक्टोरियल।
और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 1 की 1 एंड फाइंड इट आउट। सर 1 कैसे आया बच्चे? ये फार्मूला होता है ना NPR, NPR means n factorial upon n minus r, यानी 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3, 1 फैक्टोरियल। सर इसमें p का क्या मतलब होता है? p का मतलब होता है बच्चे परमोटेशन, एंड परमोटेशन को सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं अरेंजमेंट्स। सर हियर आर रिप्रेजेंट सर हाउ मच नंबर वी डोंट हैव टू रिपीट। अनुज व्हाट इज योर क्वेश्चन? हाउ मच नंबर? सर हियर व्हाट आर रिप्रेजेंट? We are representing out of 4, how we can arrange 3 things. Either it is ABC or it is ACD or it is BCD, like this. How many arrangement of 3 things are possible? And they are 24 out of 4. Sir, अगर इसमें भी कोई repeat हो रहा होगा तो? उसके लिए फिर बच्चे अगर इसमें repeat हो रहा होगा तो उसके लिए एक अलग terminology. ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास, अब जैसे मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ठीक, आप एक पार्टी में 4 कैंडिडेट ए बी सी डी, और हर एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के साथ शेक हैंड कर रहा है, तो उस पार्टी में कितने शेक हैंड्स हों? 24. अगर आपने 24 लिख दिए तो आपको एनटीएससी घर से लेने आ जाएगी। ठीक, तो चेक कीजिए कैसे। अब सपोज करो ये वाला जो ए कैंडिडेट है उसने इन सभी के साथ शेक हैंड किया, तो ए ने कितने शेक हैंड कर लिए? 3 शेक हैंड कर लिए ना। तो इस ये ए, एक मिनट सुनते लो, ये ए अलग चला गया क्योंकि इसने तो सभी के साथ शेक हैंड कर लिया ना। अब आ जाओ, अब आएगा बी, अब ये बी इन 2 के साथ शेक हैंड करेगा, तो प्लस 2 शेक हैंड और हो गए। अब क्या रहा सी, सी और डी आपस में शेक हैंड कर लेंगे तो 1 और हो गए। 6 आंसर। तो पार्टी में टोटल कितने शेक हैंड्स होंगे? 6 शेक हैंड, 6 ही होंगे। अब ये अरेंजमेंट नहीं है बच्चे, ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन। अभी मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज कॉम्बिनेशन। अब सपोज कीजिए हमारे पास 3 गर्ल्स हैं ए, ठीक, बी एंड सी। हमें कहा गया कि आपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज करने हैं एनी 2 इन तीनों में से, तो कैसे करेंगे? अब देखो हम किस किस को चूज कर सकते हैं। आइदर वी कैन चूज ए बी, और वी कैन चूज ए सी, और वी कैन चूज बी सी। तो इसका मतलब हम किस तरह से रेंज उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट दिस। अब इसमें ए बी और बी ए मैटर नहीं करता, वो एक ही चीज होगी। तो इसका मतलब इसमें टोटल सिलेक्शन कितनी आ गई? 3। कितनी आ गई बच्चे? 3। तो इसको हम किस फॉर्मूले के साथ नोट करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है बच्चे NCR। क्या फॉर्मूला होता है? NCR। और C का मीनिंग क्या हुआ? कॉम्बिनेशन। C का मतलब क्या हुआ? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताऊंगा, बट मैं फॉर्मूले से नहीं, आपको सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। अब देखिए आपके पास यहां पे 3 कैंडिडेट थे और आपने उसमें से कितने सिलेक्ट करने थे बच्चे? 2। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखो ध्यान से कैसे ओपन होता है। ऊपर 3 है, 3 एंड 2, यानी इस 3 को नीचे 2 तक लिखो क्योंकि नीचे 2 है, और 2 से 1 तक लिखो। सॉल्व करो, कितने एलिमेंट हो गए? 3। अब एक चीज और देखिए, सपोज कीजिए आपके पास 4 होते और आपने 2 सिलेक्ट करने होते, तो मैं पता कैसे लिखूंगा? 4, नीचे क्या है? 2, तो 4 3, बस 2 लिखने डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और नीचे 2 से शुरू हो जाना है, 2 इनटू 1। सॉल्व कीजिए, तो इसका मतलब इसमें कितने सिलेक्शंस होंगे?
सिक्स। अब आइए, आपकी पार्टी में कितने लोग थे? वैसे पार्टी मत करना, अभी सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, ओके, और शेक हैंड तो बिल्कुल भी नहीं। तो ए बी सी डी फोर कैंडिडेट्स आर देयर, ओके, और उस फोर कैंडिडेट में से एक शेक हैंड में कितने कैंडिडेट आ रहे हैं? टू कैंडिडेट लगेंगे ना, तो इसका मतलब क्या होगा? फोर थ्री टू एंड वन, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे? सिक्स। तो टोटल शेक हैंड्स कितने होंगे? सिक्स। सर इधर टू लिया, उसका क्या रीजन है? क्योंकि एक शेक हैंड में कितने कैंडिडेट इन्वॉल्व होते हैं? टू कैंडिडेट होते हैं। सर इन प्लेस फोर देयर विल बी सिक्स, मींस हाउ मच हैंड शेक विल बी देयर? हाँ, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज 6C2। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 6 and 5 divided by 2 and 1। अब ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। तो इसका मतलब उस पार्टी में कितने शेक हैंड्स हो? 15 हो। अच्छा, अब एक बार कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला फिर से समझा दीजिए ना बच्चे। फॉर्मूला तो इसका ये होता है, एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल। फॉर्मूला तो होता है ये, बट इसको हम इजी वे में ऐसे कर सकते हैं जैसे मैं अभी कर रहा हूं कि अगर आपको दिया हो ना 7C3, तो इसका मतलब होता है कि 7 को लिखो डाउन वे, 7, 6 and 5, ये हो गया 3 टर्म्स डाउन। अब 3 से नीचे करो, 3 into 2 into 1 कैंसिल कर दो, इसका मतलब 35 कॉम्बिनेशन आ रहे। गॉट इट? अच्छा मैं अभी आ रहा हूं। सपोज कीजिए आपको वो कहता है कि हेयर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, दीज आर द पॉइंट्स, नाउ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब देखो पॉइंट्स कितने हैं, 1, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 and P8, and you want to find out the number of sides या number of state line। तो देखिए 8 points हैं, and एक state line बनने के लिए कितने points की जरूरत पड़ती है? 2। तो हम सीधा सा formula लगाएंगे 8C2। अब मैं आपके पास दूसरा question आता हूँ, if he asks us how many triangles are there, अगर वो आपको ये पूछ लेता how many triangles we will prepare, तो उसके लिए हाँ वेरी गुड। तो देखो ट्रायंगल बनने के लिए कितने पॉइंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है? 3 पॉइंट्स को। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? 8C सर 56। चलिए वेरी गुड। और अगर मैं कहता हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर? 8C4 पॉइंट्स। तो आप क्या लिखते? 8C4 एंड हाउ वी कैन फाइंड इट आउट? वी कैन राइट इट एज 8, 7, 6 into 5, 4 digit, और नीचे कहां से शुरू हो जाता? 4 into 3 into 2 into 1, तो 4 into 2, 8 कैंसल, दिस कैंसल, तो इसका मतलब इसमें कितनी क्वाड्रिलेटरल्स बन जाती? 70। Got my point? Yes, sir. तो ये भी आपके पास permutation and combination का क्या होगा? Question. अगर हमें इसमें बोलें कि hexagon बनाना है इसमें, तो hexagon में बच्चे कितनी sides होती हैं? Sir six. तो आप ही बताओ मेरे को। Sir 8C6. बस बात खत्म। Got it? तो सर मतलब जितने लाइंस का जितने सेगमेंट का फिगर है उससे डिवाइड कर देंगे। हाँ, मतलब क्वेश्चन क्या होगा, जैसे आप यू वांट टू सॉल्व 8C6, तो मैं पता क्या लिखूंगा? 8, 7, 6, 5, 4, 3, कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि नीचे 6 है। और फिर नीचे कहाँ से शुरू कर दूंगा? 6, 5,
फोर रह गया इसके बीच में, तो फोर एक बीच में रह गया था। तो देखिए फाइव फोर थ्री ये कैंसिल हो गया, बाकी कैंसिल कर दीजिए। युगल कहता सर ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया सर, सिक्स एंड सिक्स ऑल्सो, हाँ चलिए वो भी कर सकते हैं। ठीक, तो दिस इज द वे। अब छोटी सी आपके पास एक असाइनमेंट आऊंगा और आप सभी ओपन हैं, ओके? ये बेसिक्स हैं कुछ जो मैंने यहाँ पे बेसिक इन्वॉल्व किए हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, दिस वन, प्लीज रीड दिस वन, रीड दिस नंबर सिस्टम। क्लास इंटरवल, एजेस इन इयर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर आई हैड अ डाउट कि हम लोग जैसे एनटीएससी के लिए हम लोग फॉर्म हमारे को फिल करना होगा ना, जैसे एनटीएससी की हमारे को एग्जाम देने के लिए, सर फॉर्म कहाँ से फिल करना होगा हमारे को सर? नहीं अभी मैं आपको, हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे आज, ठीक है? आपको पूरा डिटेल बताऊं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। कम ऑन टू दिस पॉइंट, ये बच्चे कुछ क्वेश्चंस हैं। टेंथ वाले कैंडिडेट और नाइन्थ वाले कैंडिडेट इसको करेंगे। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, देखिए इनको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, दिस वन इज कॉल्ड क्लास इंटरवल, ओके? तो मैं आपकी बुक में इसकी एक वीडियो भी डाल दूंगा कि इसमें हमने पूरी डिटेलिंग की हुई है। वैसे आपने एट्थ क्लास में भी ये टॉपिक किया होगा। यस सर, जब फर्स्ट आंसर सी है, जब आपने बार ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह ड्रा आउट किए होंगे तो ये वाली चीज जरूर आई होगी, ठीक है? हिस्टोग्राम याद आया? यस सर। तो आपको पता है व्हाट इज क्लास साइज? सर डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल, सर हाईएस्ट एंड लोएस्ट, सर लाइक द इन फर्स्ट केस 29 माइनस 25 इज आवर क्लास साइज, सर फर्स्ट वी हैव टू मेक इट इन कंटीन्यूअस। हां जी बच्चे अब बोलिए बच्चे। सर व्हेन वी विल, इसका एक चीज आपको बताऊं, जो बच्चे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सी इज द ऑप्शन, ये गलत है। पहले हमें इसे कंटिन्यू करना होगा। देखिए क्या है 25 टू 29 और आगे वाला क्या है 30 टू 34, तो ये कंटिन्यू नहीं है। तो पहले हमें इसको क्या करना होगा, कंटिन्यू करना होगा। इसका क्लास साइज क्या होगा? 5, ठीक? तो उसको हम यहां पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अच्छा एक चीज और आई, व्हाट इज, मैं कंटिन्यू करना बताऊंगा, व्हाट इज द मिड वैल्यू ऑफ दिस, ये तो आप सारे बता दें। यस एनीवन, 42.5, नहीं व्हाई 42.5 सर, 42 आप क्लास साइज 5 करके देखना, फिर भी 42 आएगा, ओके? सर चलिए, डाउट है कि अब इसको हम सारा इसको रेगुलर डाटा करेंगे तो सर 0.5 माइनस करते हैं, है ना? बिल्कुल। तो सर, पहले आप देखते हैं बच्चे इसमें गैप कितने का है। फर्स्ट वन 29 और 30 में गैप कितने का है, 1 का, है ना? तो आप इसको ऐसे लिखते हैं 24.5 और इसको लिखते हैं 29.5, फिर नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा 29.5 एंड 34.5, ये होता है बच्चे। दो का गैप होता तो 1 से, 1 से, हाँ फिर प्लस, फिर हाँ फिर 1 माइनस करते 1 प्लस करते। ओके, तो अब देखिए बच्चे, अब इनका डिफरेंस देखिए, ये 5 का हो, दैट्स व्हाई वी कैन से एंड दिस वन। और बाकी इन क्वेश्चंस में कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, अगर आप इनको स्टडी करेंगे तो ये बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन है, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, एज यू स्टडी इन क्लास 8, ठीक? हाँ, मैं आपको थोड़े से कुछ और क्वेश्चंस में लेके आ रहा हूँ बच्चे। मैंने अभी आपको एक मॉड का क्वेश्चन करवाया था,
क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग नंबर, आपको पोल आए, वेरी गुड नमन, आंसर नहीं बोलना किसी ने भी, व्हाट इज द मॉड, और मैंने आपको बताया था मॉड होता क्या है, और आपके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप गलत जाओगे। यस नक्श, गुड, देखिए चेक इट, वन वन एंड वन, थ्री टाइम हो गया, ठीक। नेक्स्ट आइए, टू टू एंड टू, थ्री टाइम हो गया, तो इसका मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वन की भी है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टू की भी है, ये तो दोनों होंगे, तो अकेला टू नहीं हो सकता, अकेला वन नहीं हो सकता, थ्री तो हो ही नहीं सकता, तो इसका जो ऑप्शन आएगा बच्चे वो क्या है, डी, नन ऑफ दीज, सर। यस बच्चे, कैरी ऑन सर। सर व्हेन यू पुट ऑन द पोल सर, मैं नंबर्स लिख रहा था, ये नंबर्स लिखने के लिए मैंने उसको बैक करा पोल, फिर मैंने जब पोल की बटन दबाई तो वो ओपन ही नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं बच्चे, कई बार नेट नोट में कोई डिस्टरबेंस हो जाए, ओके ओके सर, कोई इशू नहीं है, मैसेज में लिख दिया थोड़ा, माय ऑप्शन इज दिस, ओके चेक इट, तो ये गलती नहीं करनी आपने, ओके अनिशा, व्हाट यू वांट टू से, यस प्लीज, सभी ओपन है सर, इन क्वेश्चन नंबर वन सर, सर हाउ कैन वी सॉल्व दैट वन सर, एस आई नो सर दैट फ्रॉम बोथ साइड्स वी हैव टू माइनस 0.5, देन एंड सर इफ वी विल माइनस 0.5 सर द क्लास साइज विल बिकम 4.5, व्हाई 4.5, इट बिकम्स 5, यस सर, यस सर, ओके, हाँ, नाउ कम ऑन टू दिस क्वेश्चन बच्चे, ये पता लग गया ना सबको सर, हाँ यस बच्चे, सर मैंने जब सर सिलेबस पढ़ा था तो सर उसमें जो स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक था ना, तो सर उसमें सब टॉपिक एज अ मीन ही दिया गया था सर, कब पढ़ा था आपने सर, आज ही, कोई लेटेस्ट सिलेबस आया है या कुछ क्या है सर, मैंने इंटरनेट में ढूंढा था तो सर मतलब आसपास का ये सर 2020 के आसपास समथिंग, नहीं बच्चे इंटरनेट पे सारा कुछ ठीक, सारा कुछ लिखा, और अब आपने पता नहीं किस साइट से पढ़ा है सर, मैं सर ढूंढ रही थी सर एसटीएससी मतलब वेबसाइट में उसका सिलेबस, तो मुझे मिल नहीं रहा है यूपी का, यूपी बोर्ड का सिलेबस सर, किस चीज का, एनटीएससी का, यस सर, नहीं 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 बच्चे आप ना एक चीज नोट करो, चलो हम इसको भी डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, रिकॉर्डिंग में नहीं, तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के बाद, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने रेडी रखना आफ्टर द क्लास, कम ऑन टू नेक्स्ट वन, एक और भी क्वेश्चन आपको बताना है, अब देखिए क्वेश्चन, देखिए 22, बस जस्ट मेरे को बता दो ये ऐसे होगा, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे,
Read the question and tell me. So 7C5. C, C, so 7P5. C, yes. Factorium 7 होगा. बच्चे कितने लेटर का बनाना है? फाइव लेटर. व्हाट इज रिटन हियर? परमुटेशन. परमुटेशन का क्या मीनिंग होता है? अरेंजमेंट. तो आपको टोटल ऑर्गेनिक में कितने दिए हुए हैं? वन, सेवन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन. तो मेरे को आगे बताने की कुछ जरूरत है? नो सर. सर एक बार ही बता दीजिए वाला ऑर्गेनिक में कैसे आएगा. ऑर्गेनिक हो गए बच्चे सेवन अल्फाबेट्स और आपने उसमें से फाइव अरेंज करने हैं. तो सीधा सीधा आंसर लिखिए, सेवन पी फाइव. लक्ष्मी योर माइक इज नॉट वर्किंग, सेंड मी द मैसेज. कम ऑन टू दिस वन. अच्छा एक ना इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ओके तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आप इसको खुद ही रीड कर लीजिए. सर इसमें एज अ टेस्ट आप देंगे ना? बिल्कुल अभी आएगा आफ्टर द क्लास. ऐप में साथ मतलब कब तक रहेगा? सर बहुत सारे टेस्ट मिस हो जाते हैं ऐसे ही. नहीं नहीं मैं इसको थोड़ा सा लेंथी वे में करूं, 10-15 दिन दूंगा इसके. ओके सर ठीक है. अब नेक्स्ट आइए. ये ना सो मेनी क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दिस क्वेश्चंस, तो आपने इस क्वेश्चन के रिलेटेड काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप इसको रीड कर सकते. ओके हाँ जी बच्चे, तो ये आपके पास अभी आपको एज ए असाइनमेंट आ जाएगा, ट्राई टू सॉल्व इट आउट.